मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं होम साइंस की लेक्चरर अनीता चौधरी। अब चलते हैं बच्चों क्लास की ओर। आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 9। टॉपिक का नाम है हार आयोजन। सबसे पहले अपन चलते हैं हार आयोजन क्या है, उसके बाद में हार आयोजन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और हार आयोजन का क्या महत्व है, उसके बारे में आज आपको पढ़ाऊंगी या समझाऊंगी इनके बारे में। तो देखना, सबसे पहले अपन चलते हैं हार आयोजन। हार आयोजन क्या है? परिवार के सभी सदस्यों को उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना ही हार आयोजन है या हार आयोजन कहलाता है। जो परिवार में सदस्य होते हैं उनको पौष्टिक आवश्यकताएं मतलब उनकी भिन्न भिन्न होती है, उनके अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, हार आयोजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपना हार आयोजन के सिद्धांत। तो देखना, पहला सिद्धांत है पौष्टिक आवश्यकताएं। हार आयोजन में पौष्टिक आवश्यकताएं हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परिवार के सभी सदस्यों को उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना ही हार आयोजन है। परिवार में जो सदस्य होते हैं उनकी शारीरिक स्थिति, आयु, लिंग और शारीरिक श्रम पर निर्भर करती है। परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके अनुरूप भोजन में, भोज्य पदार्थों में कम या ज्यादा कर अपन जो महिला होती है, गृहिणी होती है, वह संतुलित आहार बना सकती है। नेक्स्ट आता है अपना सिद्धांत विविधता। भोजन जो गृहिणी बनाती है उसमें है विविधता लाना अति आवश्यक है, जिससे है परिवार में जो सदस्य हैं अपनी है रुचि से खा सकें। जैसे प्रत्येक दिन में उसमें परिवर्तन, आकार, बनावट या सुगंध, आकार प्रकार में परिवर्तन करके ही बनाना चाहिए, जिससे है परिवार के सदस्य उसको खा सके। नेक्स्ट आता है अपना सिद्धांत सुविधा या संतुष्टि। जो परिवार के लिए जो भोजन बनाया जाता है वह ऐसा भोजन पौष्टिक होना चाहिए जिससे है ग्रहण कर सके या मन को, अर्थात मन को संतुष्टि मिल सके। नेक्स्ट आता है सिद्धांत आहार समय। सुबह से लेकर जब शाम तक अपन ये खाना बनाते हैं या खाते हैं, जो भोजन अपन खाते हैं उसमें भी है कम से कम, जैसे सुबह का नाश्ता है फिर दोपहर का भोजन अपन करते हैं, उसमें कम से कम 2 या 3 घंटे का अंतराल होना अति आवश्यक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना पूरे दिन को एक इकाई माना जाए। सुबह से लेकर जो शाम तक भोजन अपन बनाते हैं उसकी योजना पहले से बना लेनी चाहिए कि नेक्स्ट दिन अपने को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, उसकी लिस्ट पहले से तैयार कर लेनी चाहिए या योजना बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना सिद्धांत समय। प्रत्येक कार्य अपन करते हैं वो समय के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे अपन भोजन, जैसे यहाँ अपन अपने पूछा है हार आयोजन। हार आयोजन का मतलब ये है जब भोजन अपन ग्रहण करते हैं तो वो भी अपन समय से करते हैं। जैसे सुबह का है नाश्ता अपने 8 बजे किया तो दोपहर का भोजन अपन 1 बजे ग्रहण करते हैं, तो समय के अकॉर्डिंग चलते ही नहीं चलते हैं। तो ये भी एक सिद्धांत है हार आयोजन का। नेक्स्ट आता है ना पॉइंट भोजन की स्वीकार्यता। गृहिणी के द्वारा ऐसा भोजन बनाना चाहिए जिससे है बच्चों, परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनकी है स्वीकार करने वाला है, स्वीकार्यता करने वाला होना या बनाना चाहिए जिससे वह भोजन को ग्रहण कर सके। नेक्स्ट आता है अपना भोजन की उचित विधियां।
है भोजन, उसमें है सत्व है विद्या है, विधियों में जैसे भोजन की उचित विधिया ऐसे ग्रहण करना चाहिए, सारा आहार में सारा सम्मिलित होता है, जैसे चेन भोजन पदार्थ का चेन संग्रहण और बनाना पकाना और परोसना, यहाँ तक ही आहार आयोजन इसमें सम्मिलित है, जिससे है भोजन पौष्टिक बनाया जाए और उसको परिवार के सदस्य द्वारा ग्रहण किया जाए, ग्रहण कर सके या। नेक्स्ट आता है अपना, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको, नेक्स्ट अपना चलता है आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन क्या महत्व है तो देखना, आहार आयोजन परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अपन जो ग्रहण करते हैं तो अपनी है जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं की पूर्ति करता है, नहीं करता है, भोजन ग्रहण करने पर मतलब शरीर को कोई भी कार्य, अपना जो शरीर है भोजन ग्रहण करने से कोई भी कार्य करने के लिए तृप्त रहता है, नहीं रहता है। नेक्स्ट है, यह सदस्यों की रुचि के अनुरूप भी होता है, भोजन में विविधता उत्पन्न करने या भोजन को विविधपूर्ण बनाने तथा कम कीमत पर उपलब्ध कराने में आहार आयोजन का महत्वपूर्ण है। इससे है गृहिणी समय शक्ति धन तीनों साधनों की बचत कर सकती है। आहार आयोजन द्वारा बचे हुए भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। आहार आयोजन से पौष्टिक स्वादिष्ट सुरुचिपूर्ण भोजन तैयार किया जा सकता है, जिससे आकर्षित रंग सुगंध स्वाद इत्यादि का उपयुक्त संगम होता है। तो एक आहार आयोजन है जो यहाँ पूछा गया आपको, जो बचा हुआ भोजन भी अपन जैसे शाम को है सब्जी या दोपहर की सब्जी बच गई तो अपन क्या करते हैं, नहीं शाम को जैसे सब्जी बच गई दाल बच गई तो सुबह है बच्चों को है उनके परांठे वगैरह बना कर दे देने चाहिए, जिसे आकार प्रकार में परिवर्तन करके देते हैं जिससे बच्चे उनको खा लेते हैं, बच्चों को है दाल पसंद नहीं होती है, तो ऐसा है बच्चा ये आहार आयोजन का महत्व है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी होगा, ये याद कर लेना, कोई भी समस्या आती पूछ लेना। ओके थैंक्स।